नाउ टॉकिंग अबाउट द हॉर्मोनल एक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, जो लूटिनाइजिंग हार्मोन होता है दैट स्टिमुलेट्स टेस्टोस्टेरॉन सिंथेसिस इन लेडिक सेल्स. यू नीड रियल टेस्टोस्टेरॉन टू ले एंड डिग हर. आई नो इट इज़ वेरी वल्गर, वेरी वल्गर, और मैं आप लोगों के बिल्कुल इसको अपोज करूँगा, बट क्या करें, टीनेजर्स को चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं. सो अगर किसी लड़की के साथ सेक्स करना हो, यू नीड रियल टेस्टोस्टेरॉन टू ले हर, मेक हर लाई डाउन ऑन द बेड एंड टू डिग हर. अब उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, समझ लो आप. सो इससे आप लोग याद रख सकते हो, ले एंड डिग, ले डिग, ले डिग सेल्स सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन, वेर एज FSH प्रमोट स्पर्माटोजेनेसिस बाय सर्टोली सेल्स. एस फॉर स्पर्माटोजेनेसिस, एस फॉर सर्टोली सेल्स, ठीक है, FSH से होता है. और तीन एस होते हैं, स्पर्माटोजेनेसिस बाय सर्टोली सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है. और कौन सा स्टिमुलेट करता है, ये भी S4S, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ठीक है. दीज सेल्स प्रोवाइड एन एनवायरमेंट रिच इन टेस्टोस्टेरॉन विच इज नेसेसरी फॉर जर्म सेल डेवलपमेंट. फिर सर्टोली सेल्स इनहिबिन भी प्रोड्यूस करते हैं, गैनोंग में पढ़ा ही होगा फिजियोलॉजी में, विच एक्ट्स इन कंसर्ट, दोनों साथ में काम करते हैं, इनहिबिन भी और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन भी, ये दोनों FSH को इनहिबिट करते हैं. अगर आपको वो हाइपोथैलमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सेस याद हो, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, सो जो इनहिबिन होता है और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन दोनों मिल करके FSH का फीडबैक इनहिबिशन करते हैं. देन टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. इट प्रमोट्स सेक्शुअल फंक्शन बाय स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ द पीनस, स्क्रोटम, सेमाइनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड. ऑल्सो इट कॉजेज ग्रोथ ऑफ द लैरिंग्स, थिकनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स. तभी हम मर्दों के हाथ बहुत भारी भारी हो जाती है, औरतों की थोड़ी पतली रहती है. सो इट कॉजेज थिकनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, ग्रोथ ऑफ फेशियल, मेरे तो दाढ़ी दिखी रही होगी आपको, फेशियल, एक्जिला तो नहीं दिखा सकता अपनी, सो एक्जिलरी एंड प्यूबिक हेयर. फिर टेस्टोस्टेरॉन और बाकी के एंड्रोजेंस ऑल्सो इंक्रीज लीन बॉडी मास एंड स्केलेटल ग्रोथ, एंड दे ऑल्सो एक्सिलरेट एपिफाइजियल क्लोजर. जो एपिफाइसिस होती है, डायफाइसिस, बोन में आपने पढ़ा ही होगा एनाटॉमी में, सो एपिफाइसिस का क्लोजर होगा ताकि एक्सेसिव बोन ग्रोथ ना हो. इसके साथ ही साथ टेस्टोस्टेरॉन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्ने, ठीक है, जो एक्ने हो जाती है यहाँ पर बोथ सेक्सेस में, मेल्स एज वेल एज फीमेल, क्योंकि दोनों में होता है टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन. ओनली इट, मतलब सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरॉन कम होता है और मेल्स में ज़्यादा होता है. सो टेस्टोस्टेरॉन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्ने इन बोथ सेक्सेस बाय इंक्रीजिंग सेबेशियस ग्लैंड एक्टिविटी एंड सीबम प्रोडक्शन. सीबम प्रोडक्शन एंड सेबेशियस ग्लैंड एक्टिविटी की वजह से होता है. और एंड्रोजेंस ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. ये एरिथ्रोपोइसिस में बहुत हेल्प करता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स, ठीक है. सो एंड्रोजेंस ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इन द किडनीज एंड द डिक्रीज द लेवल्स ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल. जो अच्छी बात नहीं है, HDL इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, हमको और HDL चाहिए, बट इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल HDL का कम करता है.